हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। न्यूमेरिकल वीडियो की इस सीरीज में हम न्यूमेरिकल नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है बच्चों। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आपको जो प्रश्न 12 दिया था उसमें गोले ए तथा बी साइज में समान है तथा इसी साइज का कोई तीसरा और अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों से हटा लिया जाता है। ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब प्रश्न जो 12 था उसमें हमें दिया हुआ था एक गोला यह था जिसको हम ए कह देते हैं, एक दूसरा गोला था यह बी था और दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए थे और इस आर की वैल्यू थी 0.5 मीटर। जो आवेश था दोनों गोलों पर एक समान था, क्यू ए बराबर क्यू बी, और इसकी वैल्यू बच्चों आपको दी हुई थी 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, ये आपको गिवन था। अब हमें क्या बताना है कि एक तीसरा गोला और लेके आए हैं जो कि अनावेशित है, साइज में वो ए व बी के समान ही है। सबसे पहले गोले ए व सी को आपस में संपर्क में लाया जाता है। ओके बच्चों, तो देखिए क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये गोला आपका ए था और ये गोला आपका सी है बच्चों। ए और सी दोनों एक समान है, दोनों को संपर्क में लाएंगे तो चूंकि गोला सी अनावेशित है, यानी प्रारंभ में सी क्या था, ये सी अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज शून्य, लेकिन ए क्या है, चार्ज्ड है। तो जैसे ही दोनों को संपर्क में लाएंगे तो ये जो आवेश होगा गोले ए का वो गोले सी पर भी आ जाएगा। इस प्रकार ये सिस्टम बन गया। अब यदि गोले ए और सी को अलग करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, अब यदि गोले ए और सी को अलग करेंगे तो ये स्थिति बनेगी, गोला ए है और ये गोला सी है, दोनों पर चार्ज आ चुका है और दोनों पर जो चार्ज आएगा वो एक समान होगा क्योंकि दोनों गोले क्या हैं, एक समान है बच्चों। तो इस अवस्था में जो चार्ज आ रहा है, गोले सी पर जो चार्ज आ चुका है वो क्यू सी डेस आ चुका है, गोले ए पर जो चार्ज आ चुका है बच्चों इसको हम कहेंगे क्यू ए डेस हो चुका है। ओके, अब देख इसकी वैल्यू निकालते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। बिकॉज क्यू ए डेस इक्वल्स टू आएगा क्यू सी डेस के, और किसके बराबर होगा, दोनों गोले पर जो आवेश है और गोले ए पर आवेश है वो क्यू है, गोले बी पर आवेश है वो सॉरी सी पर आवेश वो जीरो है, दोनों पर आधा आधा आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास आ चुका है, यानी फर्स्ट कंडीशन ये थी कि गोला ए और गोला सी है आपस में संपर्क में लाया जाएगा तो गोला सी भी आवेशित होगा और जब दोनों को अलग करेंगे तो ए और सी पर आवेश की मात्रा समान होगी, वो ये हो जाएगी। ओके बच्चों, अब देखिए दूसरी स्टेज में क्या कहना चाह रहा है कि अब गोले बी और सी को संपर्क में लाया गया। हमारी सेकेंड स्टेज क्या थी कि ये गोला बी था और ये गोला सी था,
दोनों बराबर है, दिखने में आपको ऐसा लग रहा है दोनों बराबर हैं, संपर्क में लाया गया है, तो बी और सी पर जो चार्ज होगा वो दोनों गोलों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा बच्चों इसमें। और जब हम अलग करेंगे तो देखिए बच्चों जो आवेश आएगा इनमें, ये गोला बी है, ये गोला सी है, इस गोले बी पर भी चार्ज होगा, और इस समय इस गोले सी पर जो चार्ज होगा वो होगा क्यू सी डबल डैश होगा बच्चों, एंड बी पर जो चार्ज होगा वो होगा क्यू बी डैश होगा बच्चों। कितना होगा वो हम और देख लेते हैं, दोनों पर आधा होगा, यानी कि क्यू बी डैश बराबर आएगा क्यू सी डबल डैश, और ये किसके बराबर होगा, क्यू बी पर जो चार्ज था, क्यू बी डैश पर जो चार्ज था उसका आधा होगा, वो कितना था बेट बच्चों, क्यू था, प्लस क्यू सी पर जो चार्ज था वो था क्यू अपॉन टू था बच्चों, टू से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा थ्री क्यू अपॉन फोर, तो ये टोटल बनेगा थ्री क्यू अपॉन फोर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया, ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। कहने का मतलब हुआ कि पहले गोले सी को ए के संपर्क मिलाकर हटाया गया, अब गोले सी को बी के संपर्क मिलाकर हटाया गया, तो गोले बी पर जो आवेश आया है अब थ्री क्यू अपॉन फोर हो चुका है। ओके बच्चों, अब जो तीसरी स्टेज है उसमें देखिए हमें क्या करना बच्चों, तीसरी स्टेज में अब कह रहा है कि ये गोला आपका ए था और ये गोला आपका बी था, अब इस गोले ए पर जो आवेश आ चुका है वो हो चुका है क्यू ए डैश, ये कितना हुआ क्यू बाई टू हो चुका है, एंड इस पर जो चार्ज आ चुका है क्यू बी डैश बच्चों ये हमारे पास आ चुका है थ्री क्यू अपॉन फोर हो चुका है। ठीक है, और इन दोनों की मध्य की जो डिस्टेंस है आर है वो थी बच्चों 0.5 मीटर। तो हमें बताना है अब इनके मध्य फोर्स कितना लगेगा, इस एफ की वैल्यू हमें अब निकालनी है बच्चों, ये कितनी होगी ये हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो कुलाम का नियम अप्लाई करते हैं, और कुलाम का नियम अप्लाई करते हैं तो देखिए बच्चों अब जो फोर्स आने वाला है इनके मध्य, एफ बराबर क्या आएगा के क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इनकी वैल्यू फुट करें एफ इक्वल्स टू के क्यू ए डैश की वैल्यू थी क्यू अपॉन टू, क्यू बी डैश की वैल्यू है थ्री क्यू अपॉन फोर अपॉन में आर स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये हमारे पास आएगा एफ इक्वल्स टू, ऊपर तो आ जाएगा देखिए वो थ्री अपॉन एट के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बच्चों। अब वैल्यू फुट करते हैं इनकी, तो देखिए वैल्यू फुट करें तो हमारे पास क्या आएगी, एफ इक्वल्स टू बच्चों हमारे पास आ रहा है थ्री अपॉन एट इंटू के, एंड के की वैल्यू फुट करेंगे हम नाइन गुणा दस की घात नौ गुणा क्यू की वैल्यू है, और क्यू की वैल्यू बच्चों आपको दी हुई है 6.5 इंटू टेन की पावर माइनस सेवन,
और इसी की इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर बच्चों, एंड आर की वैल्यू है 0.5 गुणा 0.5 कर देंगे। अब देखो कट रहा है 0.5 तो ये आएगा 13, यहाँ से कटेगा तो ये भी आएगा 13। तो बच्चों देखिए अब हमारे पास f की जो वैल्यू आ रही है f इक्वल्स टू 3/8 इंटू 9 इंटू 13 इंटू 13 और 10 की पावर, देखो 10 की पावर है यहाँ पर -7 और -7 ये हो जाएगा 14, माइनस का 14, ये 9 का प्लस है तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। और ये किसका आने वाला है 10 की पावर -5। ओके बच्चों इसको हम फर्दर आगे और सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं तो ये f बराबर हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी बच्चों वो आने वाली है 5.7 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ओके बच्चों तो ये फोर्स लगने वाला है, क्लियर बच्चों समझ में आया। तो इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल का हमने सॉल्यूशन कर दिया है।